हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विराज वास्तुकला चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि ट्रांसलेटर, जो भी लोग ट्रांसलेटर टाइप की सर्विस दे रहे हैं, या तो फॉरेन रिलेटेड, जैसे कोई गवर्नमेंट रिलेटेड उसमें जॉब में होता है, या तो कोई गवर्नमेंट की जॉब ऐसी जो ट्रांसलेटर रिलेटेड जॉब होती है उसमें जाना चाहते हैं, तो उन व्यक्ति का वास्तु घर में कैसा होना चाहिए, तो उससे आपको वो टाइप की जॉब मिल सकती है। या तो कोई व्यक्ति है वो IELTS की प्रिपरेशन कर रहा है और उसमें पास नहीं हो रहा है, या तो कोई नई लैंग्वेज सीखने की ट्राई कर रहे हैं तो उसमें वो लैंग्वेज उनको जल्दी से वो लैंग्वेज आती नहीं है, तो उन लोगों को वास्तु कैसे ठीक करना चाहिए, आज का टॉपिक वो है। तो आज हम वो टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और एक बार मेरी वेबसाइट जरूर विजिट करें viraj.com। तो दोस्तों, ट्रांसलेटर की जॉब जो भी लेना चाहते हैं, या तो जो भी लोग नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो उन लोगों का वास्तु है। तो फॉर एग्जांपल, ये आपका घर है, आपको घर के सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। आपको ये हाइट एंड विथ निकाल लोगे, उसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। सेंटर पॉइंट पे जाकर कंपास ओपन करना है मोबाइल में, फिर यहाँ से डायरेक्शन आपको निकाल लेनी है। तो फॉर एग्जांपल, ये यहाँ पर 0 degree है तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, फिर ये ईस्ट डायरेक्शन है एंड ये वेस्ट डायरेक्शन है। अब मैंने बहुत बार कहा है कि वास्तु करने के लिए कुंडली की बहुत ज़रूरत होती है। तो फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं कुंडली एक ड्रॉ कर रहा हूँ, डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो ट्रांसलेटर यानी नई लैंग्वेज कौन लोग है वो जल्दी सीख जाते हैं, तो वो है जब भी 5th house, ये पहला घर कहते हैं, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा घर, ये पाँचवा घर। यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हो उसको आपको कंसिडर नहीं करना है, ये हमेशा ये पहला घर ही गिना जाएगा, ये पाँचवा घर ही कहा जाएगा। तो यहाँ पर जब भी केतु प्लेनेट होगा तो वो लोग है वो मल्टीपल लैंग्वेज आसानी से सीख जाते हैं, ये लोग जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं। ये लोग होते हैं वो ट्रांसलेटर भी बन सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो भी लैंग्वेज कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं तो ये लोग कर सकते हैं। तो उन लोगों का वास्तु कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन, ये पांचवा घर यानी ईस्ट की दीवार है, ईस्ट वॉल, और ये पहला घर है वो ईस्ट डायरेक्शन है। तो ईस्ट वॉल यानी यहाँ पर सेंटर से ईस्ट की दीवार, यहाँ पर जो भी दीवार आती हो वहाँ पर आपको एंटी एलिमेंट होते हैं, जैसे केतु के एंटी एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पर अगर किचन आ रहा है, या तो यहाँ पर गीजर आ रहा है, यहाँ पर टूल किट रखा है, तो वो तुरंत हटा दीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर केतु के एनिमी प्लेनेट है वो है चंद्र। तो यहाँ पर आपके मदर की फोटो अगर रखी है तो चंद्र रिलेटेड कोई भी चीज रखी है तो वो आपको निकाल देना है। यहाँ पर हॉर्स की फोटो भी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर आप टॉयस रख सकते हैं, यहाँ पर ये दीवार होती है तो इसमें आप मल्टी कलर कर सकते हैं, फिर ये दीवार होती है तो यहाँ पर आप जैसे मोर पंख रख सकते हैं, तो मोर पंख है वो भी केतु है, तो ये दीवार पर ईस्ट डायरेक्शन सेंटर से आपको ईस्ट डायरेक्शन की दीवार पर मोर पंख रख सकते हैं, तो इससे आपका वास्तु है वो ठीक हो जाएगा। और आप अगर IELTS की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर आप लैंग्वेज कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर आप कोई सर्विस ऐसी सर्विसेज में जाना चाहते हैं ट्रांसलेटर की, तो उसमें भी आपको ये चीज़ सपोर्ट करेगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। तो अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और एक बार जरूर मेरी वेबसाइट विजिट करें। थैंक यू।